चोट लगी है। अंकल हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा। अंकल आप इसी कॉलोनी में रहते हैं ना? हाँ बेटा। हमने तो आपको कई बार इसी बेंच पर बैठे देखा है। हाँ बेटा मैं इसी बेंच पर बैठता हूँ। अंकल आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अंकल हाँ। आपके पैर से तो खून बह रहा है। हाँ। मैं अपने घर से दवाई लेकर आता हूँ। मैं अपने घर से पट्टी लाता हूँ। हाँ। रुको रुको हम अंकल को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ चलो। हाँ। रुको चंदू मैं रिक्शा लाता हूँ। अरे रिक्शे को छोड़ो, पहले अंकल को डॉक्टर के पास लेके जाना है। हाँ चलो। आइए अंकल। आपको बहुत दर्द हो रहा है? हाँ बेटा बहुत दर्द हो रहा है। आए। अंकल हाँ। आप अकेले ही रहते हैं? हाँ बेटा मैं अकेला ही रहता हूँ। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये तुम मुझे अंकल अंकल क्यों कहते हो? मैं तुम्हारे दादा और तुम्हारे नाना की उम्र का आदमी हूँ, तुम मुझे अंकल मत कहा करो बेटा। हाँ, मुझे दादाजी कहना। अब आप आराम करिए। हाँ, हम कल फिर आएंगे। अच्छा, और आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ दादाजी। हाँ, अब आप आराम करिए, किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता दीजिएगा। जरूर बताऊंगा। और दवाई रात को लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं भूलूंगा बेटा। और दादाजी हाँ, मार्केट से कुछ भी मंगवाना हो तो हमें याद कीजिएगा। हाँ, हम जरूर ले आएंगे। अच्छा बेटा। दादाजी मैं आपके लिए कुछ करूं? हाँ बेटा। अरे गुड़िया तुम ऐसा करो बेटा, ये मेरा ये चश्मा टूट गया है, तुम अपने भैया को देना, वो इसे बाजार से बनवा के ला देगा। दादाजी ये चश्मा मैं ठीक करवा लाऊंगा। हाँ बेटे ठीक करा लाना। दादाजी अब आप पार्क में कुछ दिन नहीं आ पाएंगे। हाँ बेटा अब मैं पार्क में भी नहीं आऊंगा और तुम्हारा खेल भी नहीं देख सकूंगा। दादाजी क्या आपको खेलों का बहुत शौक है? हाँ बेटा मुझे खेलों का बहुत शौक है, पहले मैं खेलों का इंस्ट्रक्टर था। वाह दादाजी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हम आपके घर आएंगे। जरूर आना बेटा। दादाजी हम यहीं पर होमवर्क किया करेंगे, उसके बाद पार्क में खेलने जाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, होमवर्क में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें जो कुछ नहीं आता होगा वो भी बताऊँगा और खेलने के नए नए तरीके बताऊँगा। दादाजी आप मुझे भी पढ़ाएंगे ना? हाँ बेटा तुम्हें भी पढ़ाएंगे। हाँ अच्छा बेटे अब अपने घर जाओ। नमस्ते नमस्ते बेटा। आए नमस्ते दादाजी। अरे जीत रहे बेटे, आ जाओ जल्दी आओ।
अरे वाह, गुड़िया रानी भी आई है। अरे वाह भाई मेरी गुड़िया। बेटा वो मेरा चश्मा बना के नहीं? हाँ दादाजी, ये नीचे। अल्लाह गुड़िया बैठो बेटा, मैं जरा चश्मा देखूं। दादाजी आपका चश्मा तो बहुत अच्छा है। अरे वाह, और ऐसे हुई शुरुआत दादाजी और बच्चों की दोस्ती की, एक नए संबंध की। दादाजी बताइए क्या काम करना है? बेटे काम तो अब कुछ नहीं है। आपने चाय पी? चाय तो मैंने अभी नहीं पी है बेटा। चंदू मैं दादाजी के लिए चाय बना कर लाता हूँ। दादाजी आप मेरे हाथों की चाय पी कर देखिए, मेरी मम्मी मेरे हाथों की बनाई चाय की बहुत ही तारीफ करती है। अच्छा तो बेटा आज मैं तुम्हें एक बहुत खुशी की बात बताता हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे पार्क में जाने की इजाजत दे दी। अरे दादाजी ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बेटा। फिर तो दादाजी आप हमें खेलों की खासकर कबड्डी की खूबियां बताएंगे ना? जरूर बताऊंगा, और ऐसी खूबियां बताऊंगा कि तुम कभी कबड्डी में हारोगे ही नहीं। दादाजी वो क्योंकि हमारा कबड्डी का मैच है ना, इसलिए कबड्डी के मैच में जरूर जीतोगे। दादाजी अब हम भी आपको अच्छी खबर सुनाते हैं। सुनाओ बेटा। मेरा अब गणित का डर बिल्कुल गायब हो गया। अच्छा। जब से आपने गणित हल करने का तरीका समझाया तब से मैं गणित के प्रश्न सही करने लगा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और दादाजी अब मुझे अंग्रेजी के निबंध और हिंदी के आलेख लिखने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बेटा डरने की तो बात ही कोई नहीं है इसमें। दादाजी आपका भूगोल का सिखाया हुआ गाना तो क्लास में सभी गाते हैं। कैसे गाते हैं बेटा? इंग्लैंड लंदन थेम्स नदी, फ्रांस पेरिस से नदी, भारत दिल्ली यमुना नदी। वाह दादाजी। हाँ। अब मैं भी भारत की सभी राज्यों की राजधानियाँ, मुख्य फसलें और सांस्कृतिक विशेषताओं पर गाना बना रहा हूँ। जरा हम भी तो सुने कैसा गाना बनाया है। नमूना पेश करता हूँ। कश्मीर श्रीनगर सेब शिकारा, पंजाब चंडीगढ़ गेहूं भांगड़ा। ओ बल्ले बल्ले। अरे वाह। रुको रुको प्रकाश, उस चाय का क्या हुआ? मैं तो भूल ही गया था, अभी बना कर लाता हूँ। पर मुझे भी तो कुछ सुनाने दो। पंजाब चंडीगढ़ गेहूं भांगड़ा, गुजरात अहमदाबाद कपास गरबा, महाराष्ट्र मुंबई गन्ना तमाशा। ओ बल्ले बल्ले। नमस्ते। नमस्ते, आइए। आप ही चंदू नंदू और प्रकाश की गोद लिए दादाजी है ना? दादाजी? हाँ दादाजी तो हूँ। मैं चंदा। चंदा चांद? नहीं नहीं हाँ। मैं चंदा यानी कि चंदू की बड़ी बहन। हाँ चंदू की बड़ी बहन हो, कहिए क्या बात? आपके लिए खाना लाई हूँ। अरे इसकी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ कैसी, इसी रास्ते से तो कॉलेज जाती हूँ, सोचा आपको खाना देकर कॉलेज चली जाऊंगी। लीजिए। ये खाना आपने खुद बनाया है? नहीं मेरी मम्मी ने बनाया है। अच्छा, और किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। जरूर बताऊंगा जी। अच्छा दादाजी। अच्छा नमस्ते दादाजी। दादाजी
आप हमसे नाराज हैं क्या? हाँ बेटा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा गोद लिए हुआ दादा हूँ ना। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये आपके रात के खाने का डिब्बा। दादाजी मेरी मीठी गोली। मीठी गोली? हाँ ये लो तुम्हारी मीठी गोली। सुबह का खाने का डिब्बा तो दीदी यही होंगी ना? हाँ तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन एक बात बताओ, ये गोद लिए हुए दादाजी का क्या चक्कर है? दादाजी मैं बताता हूँ। बताओ। जब कोई माता पिता किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वो बच्चा उनका कहलाता है। अब हमारे तो कोई दादाजी है नहीं, इसलिए जब आप हमें मिले तो आप हमारे अपने से लगने लगे और हमने आपको गोद ले लिया और आप हमारे दादाजी हो गए ना। आप हमारे दादाजी हो गए ना। हाँ बच्चों, मैं तुम्हारा दादा हो गया। आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारा गोद लिया हुआ दादा हूँ। मेरे बच्चे, अब ये बताओ कि तुम लोगों ने ये कैसे तय कर लिया कि सुबह का खाना कौन लाएगा, शाम का खाना कौन लाएगा? मुझे पता ही नहीं लगा। अरे भाई, मैं होटल से मंगा के खाना खा लेता। क्यों, जब आप हमारे दादाजी हैं तो हम आपको होटल का खाना क्यों खाने देंगे? दो दिन पहले जब हमें पता लगा कि खाना बनाने वाली जमुना छुट्टी पर है तब हमने तय कर लिया। नंदू की माँ सुबह का खाना बना देंगी और मेरी दीदी आपको ला देंगी। सुबह हम स्कूल जाते हैं ना, इसलिए। और रात का खाना कभी मेरी माँ बना दी करेगी तो कभी चंदू की। बस 5-6 दिन की तो बात है। समझ गया। अब ऐसा करो कि थोड़ी देर तुम लोग बैठ के पढ़ो, फिर अपने अपने घर चले जाना। दादाजी आज पढ़ने का मन नहीं है, कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, कोई कहानी सुनाइए ना। अच्छा आप लोग बैठो, मैं कहानी सुनाता हूँ। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। बेचारा बड़ा परेशान था क्योंकि देखो सांस नहीं टूटना चाहिए। कबड्डी लेके आए ना तो आप लोग हाथ पकड़ो, इसका पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, और तुम भी आओ यहाँ पे घेरा बना लो ऐसे। निकल गया। देखो एक बात और सुनो, देखो कबड्डी लेके जब जाते हैं ना तो मालूम क्या करना है? कबड्डी 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 पकड़ लिया। बहुत अच्छा किया। दादाजी हाँ? कल हमारा कबड्डी का मैच है ना? अच्छा, आप जरूर आइएगा। हाँ दादाजी, आप जरूर आइएगा। मुझे मैच देखने जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं क्यों उत्सुक हो रहा हूँ जब मैंने बच्चों को सब कुछ तो सिखा दिया है। मुझे नहीं जाना चाहिए। अब ये सर्वोदय स्कूल के 6 नंबर खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, बड़े जोश से हैं, और ये इसी से स्कूल के बच्चे उन्हें पकड़ने जा रहे हैं और ये उन्हें घेरा है, लेकिन उन्होंने एक आउट, नंबर 6 को ही आउट करा है। बहुत बढ़िया। और ये उन्होंने बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और ये 6 नंबर को घेरने की कोशिश में है, लेकिन आगे सर्वोदय स्कूल के सर्वोदय स्कूल का बच्चा बहुत ही मेहनत कर रहा है।
सात नंबर टीम सी स्कूल के मैं बहुत ही जोश में आगे बढ़ रहे हैं और ये उन्होंने घेराबंदी करी है सीसी स्कूल के बच्चों ने। ये सबरे स्कूल का बच्चा जो है बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है ये सीसी स्कूल का और ये आगे बढ़ रहे हैं। ओहो कप्तान मुझे लग रहा है पीछे पीछे जा रहे हैं, कप्तान को चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए लेकिन वो अभी सोच रहे हैं कि वो कैसे पकड़ा जाए। दादाजी नहीं आए, मैंने तो कहा था कि जरूर आएंगे। क्या हम जीत पाएंगे? हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सीसी स्कूल के कैप्टन बड़े ही फुर्ती में है, कैप्टन भी आज पहली बार कूद रहे हैं और सबने सीसी को घेर लिया है और सबने मिलकर वो पकड़ लिया और सर्वे स्कूल में केवल एक ही खिलाड़ी बचा है। कैसा कैसे जीता है लेकिन ये और ये सीसी स्कूल ने बाजी मार ली है। बहुत बधाई आपको और आपकी टीम को। दादाजी तो आए नहीं। अरे हाँ दादाजी उसी बैच पे आएंगे। हाँ दादाजी वहीं मिलेंगे। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। मेरे बच्चे आओ मेरे पास, मेरे बच्चों आओ। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। दादाजी हम भी बहुत खुश हैं। हाँ दादाजी।